मन की बात में पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में भारत में बनी चीजों की बड़ी डिमांड, लोकल को ग्लोबल बनाने का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा पूरा। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। मन की बात कार्यक्रम के 87वें एपिसोड में पीएम ने बताया, बीते हफ्ते हमने 30 लाख करोड़ निर्यात का ऐतिहासिक लक्ष्य किया हासिल। इस उपलब्धि ने हम सबको गर्व से भर दिया। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पानी के संरक्षण पर बात की, कहा महाराष्ट्र के सैकड़ों सीढ़ी वाले कुएं को साफ करने का चला रहे अभियान। ऐसे ही कई लोग हैं जिन्होंने पानी के संरक्षण का काम किया। संकल्पों को फिर से दोहराए, पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। इसके अलावा पानी की रिसाइकलिंग पर भी हमें उतना ही जोर देते रहना है। घर में इस्तेमाल किया हो जो पानी गमलों में काम आ सकता है, गार्डनिंग में काम आ सकता है, वो जरूर दोबारा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। संबोधन के दौरान पीएम ने बाबा शिवानंद का किया जिक्र, कहा उनके जोश और फिटनेस को देखकर हर कोई हैरान था, उनका स्वास्थ्य देश में चर्चा का विषय है। पीएम मोदी ने बच्चों से जल संरक्षण अभियान से जुड़ने की अपील की, कहा स्वच्छता अभियान से जुड़कर जैसे बच्चों ने इसे आंदोलन का रूप दे दिया, उसी तरह जल संरक्षण अभियान से जुड़कर बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं बच्चे। पीएम मोदी बोले, 7 अप्रैल को मनाएंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति बढ़ता जा रहा रुझान। आयुष इंडस्ट्रीज का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा। गोवा में कल प्रमोद सावंत ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रमोद सावंत की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ 10 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने पहुंचेंगे गोवा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती के दिए बयान पर भाजपा को लिया आड़े हाथों, कहा भाजपा ने पीडीपी को मजबूत किया। महबूबा मुफ्ती जो बोल रही है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी है जिम्मेदार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में शनिवार रात बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही की वजह से बस चट्टान से खाई में जा गिरी। हादसे में 45 लोग घायल। तिरुपति से 25 किलोमीटर दूर बकरापेटा में हुआ हादसा। छह दिन में 5वीं बार बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे हुआ महंगा। नई कीमतें लागू होने के बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 99 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हुए। आईपीएल के 15वें सीजन के पहले मुकाबले में कोलकाता ने चेन्नई को 6 विकेट से हराकर किया शानदार आगाज। चेन्नई ने महेंद्र सिंह धोनी के नाबाद 50 रन की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट पर खड़ा किया 131 रन का स्कोर। केकेआर ने 132 रन के लक्ष्य को 18.3 ओवर में किया हासिल। सीएसके की हार के बावजूद ड्वेन ब्रावो ने बनाया बड़ा आईपीएल रिकॉर्ड। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने के रिकॉर्ड की बराबरी की। अब मलिंगा के साथ ब्रावो के भी हुए 170 विकेट्स। 152 मुकाबलों में झटके 170 विकेट्स।